बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है, स्टेट के डीजीपीस के साथ, होम सेक्रेटरीज के साथ, एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है। किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये हमारा संकल्प है। साथियों, आप सब जानते हैं कि रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है जिसपे पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा था। तो गत 16 जुलाई 2024 को कवच का 4.0 वर्जन यानी वर्जन 4.0 जैसे डेवलपमेंट होता है तो नए नए वर्जन्स आते हैं, तो कवच का वर्जन 4.0 फाइनल हुआ था, फ्रीज हुआ था, अप्रूव हुआ था, आरडीएसओ की तरफ से अप्रूवल हुआ था। उसका पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा आगे नागदा तक वो कंप्लीट हुआ है, तो आज उसका निरीक्षण करूंगा। और साथ ही साथ जो अपने जयपुर गांधीनगर स्टेशन में पहली जो रूफ प्लाजा बनी है, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्टेशन के विकास के लिए एक धारणा दी है जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके और वो जोड़ने वाला माध्यम है रूफ प्लाजा, तो वो रूफ प्लाजा भी अभी बन गई है और ये देश में तीसरी या चौथी रूफ प्लाजा है, इसलिए उसका भी एक बार निरीक्षण ढंग से करूँगा और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ बैठने का भी विचार। देखिए, बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है, स्टेट के डीजीपीस के साथ, होम सेक्रेटरीज के साथ, एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है, और किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये हमारा संकल्प है। और साथ ही साथ पूरा रेलवे प्रशासन इसमें पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रहा है। एक अलग टास्क फोर्स भी बनाने की बात चल रही है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। बहुत पूरे देश भर में रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवीजन में, जोन में, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF तीनों के तीनों, और स्टेट की जो पुलिस है, उन सब के साथ मिल के इसमें काम कर रहे हैं।